Deboli. Let's go for potato, right? शंकर भगवान की जय। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं आज आपको ले जाने वाला हूँ चूड़धार की वादियों में। ये बात है मार्च 2024 की, जब मैंने इस यात्रा को बर्फीले तूफान के बीच में कंप्लीट किया। मेरी यात्रा शुरू हुई नोहराधार से और मुझे ऊपर को जाते हुए सबसे पहले एक कुत्ता मिला जो कि जख्मी हालत में था। परंतु बाद में मुझे यह देखकर अचंभा हुआ कि वह जख्मी हालत में भी, जब मैं अपनी यात्रा वापस करके आधे रास्ते में पहुंच चुका था, तो ये 12 किलोमीटर कवर करके वहां तक इस जख्मी हालत में भी पहुंच चुका था। अब मुझे शुरू में ही एक मुश्किल ढलान और खाई वाला रास्ता पार करना था, परंतु मैंने इसे भोलेनाथ और श्रीगुरु महादेव की कृपा से आसानी से पार कर लिया। तो मेरी यात्रा शुरू हुई नोहराधार से। नोहराधार एक टाउन है जो कि लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है, परंतु जहां से यात्रा शुरू होती है ये पॉइंट ऑलमोस्ट 6000 प्लस फीट की हाइट पर बसा हुआ है। पहले यह यात्रा बहुत ही मुश्किल हुआ करती थी। यहां पर पक्का रास्ता ना होने की वजह से और साथ में यहाँ पर कोई भी पहले सड़क नहीं हुआ करती थी, परंतु अब यहाँ पर 4 किलोमीटर तक जो है वो सड़क आ चुकी है। तो आपका जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाली जो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो हम थोड़ा ऊपर की ओर नूडल बनाएंगे। जो मैं सामान कैरी कर रहा हूँ उसका वेट है 14 kg। तो अगर आप गाड़ी से भी वहाँ पर 4 किलोमीटर तक जाते हैं तो आप यात्रा में बहुत कम मुश्किल होगी, परंतु मैं आपको सलाह दूंगा कि ट्रैकिंग का अच्छा मज़ा लेने के लिए आप बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से ही पैदल जाएं। जो अपने साथ भी अगर ट्रैकिंग करते हुए आप कुछ भी खाने का सामान लेकर जाएँ तो भी उसका जो प्लास्टिक और जो बचा हुआ कचरा है वो अपने साथ ही वापस लेकर आएँ, क्योंकि जो आप सामान लेकर जाते हैं उसके मुकाबले में जो बचे हुए कचरे का भार है वो काफ़ी कम ही होता है, 100 गुना से ज़्यादा कम। आप कल गए थे? हम तो गए तो कल थे, अच्छा, पर हम तो पहुँच ही नहीं पाए। क्यों? अब जो बर्फ बहुत है, रुकन ज़्यादा। मुझे रास्ते में एक अंकल जी मिले जो कि पिछले दिन सुबह यात्रा को पूरी करने के लिए गए थे और वो यात्रा पूरी नहीं कर पाए। अब मुझे सामने एक तेंदुआ और एक भालू दिख रहा था। जी नहीं, ये असली सचमुच का भालू और तेंदुआ नहीं था, ये तेंदुआ और भालू की आकृति बनी हुई थी। और वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि इस एरिया में आप भालू और तेंदुओं से बचकर रहे, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत सारे पाए जाते हैं जो कि आपको अकेले जाते हुए भी काफ़ी जो खतरनाक हो सकता है। और अगर आप सबके साथ में भी जा रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर इन जानवरों से सावधान रहना चाहिए। जब आप रास्ता पार करते हुए चूड़धार की ओर जाते हो तो आपको चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गुजरना पड़ता है। इस सेंचुरी का नाम चूड़धार के नाम पर ही पड़ा है। अब मैं चूड़धार रास्ते में वादियों को पार करते हुए एक बड़ी सी चट्टान के टीले पर पहुंच चुका था। मैंने यहाँ पहुंचते ही अपना सामान उतारा और चट्टान पर बैठ गया। ये चट्टान मेरी पसंदीदा चट्टान है क्योंकि रास्ता इससे बहुत नीचे से होकर आगे की ओर जाता है, परंतु मैं हर बार यहाँ जाकर बैठना पसंद करता हूँ और यहाँ से जो आपको व्यू मिलता है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं आपको ये व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से सामने की ओर बर्फ़ की बड़ी बड़ी चोटियाँ दिख रही थी। अब मैंने थोड़ी देर यहाँ पर आराम करने के बाद में अपना सामान उठाया और आगे की ओर चल पड़ा। चूड़धार जाते हुए आपको रास्ते में बीच में 4 अलग अलग तरह के लैंडस्केप्स मिलते हैं। जो स्टार्टिंग वाला 4 किलोमीटर के अराउंड का एरिया रहता है वहाँ आपको वेजिटेशन बिल्कुल ही कम मिलेगी। जो उसके बाद का अगला ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर का एरिया रहता है वहाँ पे आपको बीच में काफ़ी सारे हरे भरे पेड़ मिलेंगे, और उसके अगले 3 किलोमीटर्स में आपको झाड़ी और पेड़ के बीच की वैरायटीज मिलेगी। कुछ ऐसे पेड़ जो ना तो पूरी तरह से झाड़ी है और ना ही पूरी तरह से पेड़ हैं, और उन पर बहुत ही खूबसूरत फूल खिले होते हैं अपना बरसात के मौसम में।
तो आप कभी बरसात के मौसम में भी जाकर वहाँ पर इन फूलों को देख सकते हैं। ये जून के महीने में भी काफ़ी अच्छी तरह खिले होते हैं। और फिर रहा यहाँ पे चौथे वाला लैंडस्केप, जो बिल्कुल ही अलग है, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं वहाँ पर। और इसके बारे में भी एक मान्यता है कि यहाँ पर शेरगुल महाराज ने, जो यहाँ पर एक चूड़ू नाम का राक्षस था, उसके परिवार को पत्थर में कन्वर्ट कर लिया था। अब मैं एक गुफा के बहुत ही नज़दीक पहुँच चुका था। यह गुफा आपको बरसात के मौसम में बरसात से बचाती है। और यहाँ पर बहुत सारे गद्दी लोग, जो कि किन्नौर और चंबा वगैरह जिलों से यहाँ पर सर्दी के मौसम में आते हैं अपनी भेड़ बकरियों को लेकर के, वो भी यहाँ पर इस जगह पे रुकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये गुफा। इस बार मुझे 4 किलोमीटर कवर करने के बाद में ही कुछ बर्फ़ देखने को मिल रही थी। तो इस यात्रा को 3 हिस्सों में बांटा गया है। यह पूरी यात्रा 18 किलोमीटर लंबी है। तो इस रास्ते को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा, जहां पर कि 6 किलोमीटर ख़त्म होते हैं, उसे दूसरी कहा जाता है। 12 किलोमीटर के बाद वाले हिस्से को तीसरी कहा जाता है। अब मैं दूसरी पहुंच चुका था। यहां पर आकर आप कैंपिंग भी कर सकते हैं और यहां पर आपको बहुत सारे टेंट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी रुकने के लिए, जो कि आपको 300-400 रुपये पर पर्सन में एक रात को रुकने के लिए, और खाना भी आपको ये लोग दे देते हैं। और इस एरिया में आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, परंतु मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप सिर्फ मेन सीजन में ही यहाँ पर कैंपिंग करें, क्योंकि बाकी मौसम में यहाँ पर जो लोकल प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो इस चीज़ की अनुमति नहीं देता। और जब मैं भी यहाँ पे ये इस बारी मैंने यात्रा पूरी की, तो यहाँ पे लोकल पुलिस वाले उससे एक दिन पहले ही यहाँ पर एक बारी आकर के जा चुके थे। अगर आप मेन सीजन के अलावा यहाँ पर बीच में कहीं पर रुकते हैं, तो आपको यहाँ पर पकड़ा भी जा सकता है। और दूसरी से आप अपने पानी की बोतल में पानी भी भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नलका भी है। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, तो यहाँ पर बर्फ भी बढ़ती जा रही थी और जंगली जानवरों का खतरा भी बढ़ता जा रहा था। और आगे जाकर मुझे मिला एक पानी का चश्मा, जो कि 8 किलोमीटर के बाद में इस यात्रा में आता है, और यहाँ से आप पानी भर सकते हैं। आप जब बर्फ़ के मौसम में यहाँ पे जा रहे होते हैं, तो ये लास्ट पॉइंट है जहाँ से कि आप पानी भर सकते हैं। इसके बाद आपको पानी नहीं मिलता, और मेन सीजन में भी आपको इसके बाद में एक और जगह में पानी मिलता है। तो जब आप यहाँ से गुजरे, तो हमेशा पानी को यहाँ से भर लें। आप दूसरी से पानी भरना भूल सकते हैं, परंतु यहाँ से पानी भरना कभी ना भूलें, क्योंकि इसके बाद में पानी कई बार नहीं मिलता है। गाइस, आज लगभग 8 किलोमीटर कवर करने के बाद में इतनी सारी बर्फ़ दिख रही है यहाँ पे। मैं जितने बारे भी यहाँ पे आया हूँ, इससे पहले 11 बारी आया हूँ, तो कभी भी इस एरिया में मुझे बर्फ़ देखने को नहीं मिली। और इसके बाद में 10 किलोमीटर के अराउंड और बचा है, और काफ़ी सारी बर्फ़ मुझे मिलने वाली है। और मौसम भी क्लाउडी है, पूरी तरह से बारिश का मौसम लग रहा है, काफ़ी डार्क है, तो काफ़ी चैलेंज रहने वाला है। काफ़ी ठंडी हवा चल रही है और ठंड बढ़ती जा रही है, बहुत ठंडा है यहाँ पे, जो कि ऊपर की ओर जाते हुए और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और ये इसके साथ में मेरे ऊपर थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल होता हुआ, बिल्कुल बारीक बारीक स्नोफ्लेक्स मेरे ऊपर आ रही है। ये कोइंसिडेंसेस होते जा रहे हैं कि मैं पिछली 3 जर्नी जो मेरी बर्फ़ में रही हैं, श्रीखंड महादेव, मणिमहेश कैलाश और ये वाली जर्नी, इस पे मुझे स्नोफॉल देखने को मिल रहा है और काफ़ी छोटी छोटी फ्लेक्स मेरे ऊपर आ रही हैं। वाह। और मज़े की बात ये है कि मैं कोई छतरी वगैरह कुछ भी नहीं लेके आया हूँ बारिश के लिए, तो ये चैलेंजिंग होने वाला है। गाइस, स्नोफॉल शुरू हो चुका है और मुझे स्नोफॉल में भीगना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे पास में कोई छतरी वगैरह नहीं है। काफ़ी सारा स्नोफॉल हो रहा है,
ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारा स्नोफॉल होते हुआ। वाह गाइस, आप ये ब्लड देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारा खून है और यहाँ पर किसी जानवर के पाँव के निशान भी है, ये आप देख सकते हैं। तो मुझे यह पता नहीं चल पाया कि ये किस जानवर या किस का खून था। गाइस, मैं दूसरी पर पहुंच चुका हूं और दूसरी ऑलमोस्ट 11 से 12 किलोमीटर कवर करने के बाद में एक जगह आती है। वैसे यहां पर और भारी टेंट लगे होते हैं इस जगह पे, पर इस बारी बर्फ है तो अभी किसी ने टेंट वगैरह नहीं लगाए हैं, जो कि रुकने को भी यहाँ पे जगह मिल जाती है। और पीछे की ओर में काफ़ी सारी आप बर्फ़ देख सकते हो और भी कुछ और लोग भी जा रहे हैं जो कि। दरअसल मैंने वीडियो में गलती से दूसरी कह दिया, परंतु इस जगह का नाम तीसरी है जो कि 12 किलोमीटर के अराउंड कवर करने के बाद में आती है। अब यहाँ पे इस यात्रा का सबसे मुश्किल वाला 6 किलोमीटर का रास्ता शुरू हो चुका था और इसके बिल्कुल शुरुआत में ही मुझे एक खाई नुमा जगह से पार होकर जाना था। इस जगह पर ठंड और तेज हवा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इस जगह को पार करना बहुत ही खतरनाक था क्योंकि नीचे की ओर यहाँ पर गहरी खाई थी। थोड़ी सी असावधानी की स्थिति में आपको यहाँ पर भारी परिणाम देखने को मिल सकते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। मौसम खराब होता जा रहा था और मैं आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। अब मैं बर्फ के जंगल को चीरता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था। मुझे इस बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के दर्शन हो रहे थे और मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहा था। यहाँ पर मैं भगवान की कृपा को खुद पर महसूस कर पा रहा था। गाइस, लगभग 13 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया है और अभी भी 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता और बचा है। मैं आपको दिखाता हूँ पीछे की ओर में वो पहाड़ी दिख रही है, उसके पीछे मुझे जाना है कुछ इस साइड में, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, उससे पहले मैं आपको यहाँ की बर्फ़ दिखाता हूँ। और यहाँ पे कुछ और लोग भी आगे की ओर जा रहे थे। अब मुझे रास्ते में कुछ और लोग मिले जो कि यात्रा को पूरी करने के बाद में या फिर पूरी ना करने के कारण भी वापस की ओर जा रहे थे। बीच में कुछ लोग बर्फ के बीच में बर्फ से खेल रहे थे, वहीं कुछ लोग चूड़धार की ओर आगे भी बढ़ रहे थे, परंतु मैं अपनी तूफानी गति से उनसे काफ़ी आगे चूड़धार की ओर आगे बढ़ने लगा। और यहाँ पर मौसम बहुत ही ख़राब होता जा रहा था और हल्की हल्की यहाँ पर बर्फ़बारी भी शुरू हो रही थी अब, और इस हल्की हल्की बर्फ़बारी ने इस मज़े को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया था। ये एक एडवेंचरस तरीके के हिसाब से एक मज़ा है, परंतु ये अगर आप एडवेंचर को पसंद नहीं करते हो तो यह आपके लिए सजा भी बन सकता है। गाइस, स्नोफॉल वापस शुरू हो चुका है और अभी भी अराउंड 5 किलोमीटर और बचा है कवर करने को। काफ़ी सारा स्नोफॉल हो रहा है, आप देख सकते हैं कैमरा में उतना विजिबल नहीं है, पर वैसे काफ़ी स्नोफॉल हो रहा है बारीक बारीक। अब यहाँ पर एक और मुश्किल वाला पॉइंट शुरू होने जा रहा था। यहाँ पर बिल्कुल एक मुश्किल वाली ढलान है जिसको कि चढ़ करके मैं काफ़ी ऊपर तक आ गया और अब यहाँ पर मुझे कुछ और लोग मिले। एक रास्ता घूम के भी है, बर्फ में गया कभी?
और इसी पॉइंट पर बर्फबारी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। यहाँ पर एक भाई को मदद की काफ़ी ज़रूरत थी। मैंने उसकी थोड़ी बहुत मदद की और आगे की ओर निकल गया। और इस बर्फबारी में यात्रा का मज़ा और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। अमीरपुर से आए आप? अच्छा, वाह। गाइस, तो स्नोफॉल काफ़ी तेज़ होता हुआ और काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। कुछ भाई मिले। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। आपका नाम? अंकित भाई। और आपका नाम भाई? अंकित। अंकित, ये हमीरपुर से आए हैं और ऊपर तक जाने वाले हैं। कैसा लग रहा है आपको स्नोफॉल में? बढ़िया भैया, बढ़िया भाई, बिल्कुल मजे भाई। वाह, बर्फबारी तेज होती हुई। वाह, अब देखते हैं गाइस। वाह, जय भोले। स्नोफॉल बहुत तेज हो रहा है। चूड़धार ये शिवालिक रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। ये 11,965 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पर शेरगुल महाराज, जिनका संबंध भगवान शिव से है, उन्होंने यहाँ पर किसी समय तपस्या की थी। इस बर्फबारी से सभी श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल था और सभी लोग नाचकर अपनी खुशी व्यक्त कर रहे थे। और मैं भी इस मंजर को कैमरे में कैद करता हुआ आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। अब मेरे कैमरे पर भी बर्फ की परत जमना शुरू हो चुकी थी। इसकी वजह से वीडियो क्वालिटी खराब होती जा रही थी। बीच रास्ते में मुझे कुछ और लोग भी मिल रहे थे जो इस बर्फबारी में भी आगे जाने की हिम्मत कर पा रहे थे। और मेरी पीली जादुई टी शर्ट और महादेव की कृपा का अदृश्य कवच मेरा साथ दे रहे थे और मुझे इस जानलेवा बर्फीले तूफान के बीच में भी गर्मी का एहसास करा रहे थे। कुछ और नौजवान भी इस ठिठुरन भरी ठंड में आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। इसके बाद की वीडियो बर्फ़ के कैमरा पर जमा हो जाने की वजह से बहुत बुरी तरह ख़राब हो चुकी थी, तो मैं उस वीडियो को आपको नहीं दिखा पाऊँगा। अब मैं चूड़धार की चोटी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था और मैं बर्फ़ के बीच से होता हुआ चट्टानों को पार करता हुआ आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। परंतु इस बर्फीले तूफान में इन चोटियों को पार करना बहुत ही आनंदमय था। यहाँ बीच में काफ़ी मुश्किल भरी चट्टानें आपको मिलती हैं जिनको पार करके आपको आगे की ओर जाना होता है। अगर यहाँ से आप गिर जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है।
अब मैं चूड़धार की चोटी के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका था और मुझे यहां पर फिर से एक और रिस्की पॉइंट को पार करके जाना था। तो मैंने भी महादेव और शिरगुल महादेव का नाम लेके सामने की ओर इस रास्ते को कवर करना शुरू कर दिया और मैं उनकी कृपा से इन ढलानों को आसानी से पार कर पाया। और मुझे इस टी शर्ट को पहने हुए भी ऐसे एहसास हो रहा था मानो मैं हीटर के आगे से गुजर रहा हूँ महादेव की कृपा से। मुझे जो भी लोग रास्ते में मिले उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपने कोई नशा किया है या ये क्या वजह है कि आप इतनी ठंड में भी सिर्फ एक टी शर्ट में ही यहाँ तक पहुँच पाए हो। अब मैं चूड़धार की चोटी के बहुत नज़दीक पहुँच चुका था और मैं काफ़ी दूर से ही चूड़धार की चोटी में भगवान शिव की मूर्ति के दर्शन कर पा रहा था जो कि बहुत ही लुभावना दृश्य था। और इस बर्फीले तूफान में बहुत तेज़ हवा चल रही थी जिसमें कि चलते हुए बैलेंस बनाना और आगे चलते रहना मुश्किल हो रहा था और ये तेज़ हवा हमारी आँखों में भी बहुत बुरी तरह से चुभ रही थी। परंतु इस भोलेनाथ की कृपा ने इस यात्रा को सफल बना दिया। मुझे यहाँ पहुँचते ही कुछ भाई मिले। गाइस तो मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ यहाँ पे मूर्ति के पास में और मुझे कुछ भाई मिले भाई टी शर्ट में चलाया जहाँ पे कि हम लोगों की हालत खराब है। हम पांच जने आए हैं भाई, अकेले आए हैं। हम पांच जनों को बहुत डिफिकल्टी हुई है पूरे रास्ते में, लेकिन भाई अकेले आए हैं, बहुत बड़ी हिम्मत की बात है ये। ताली है भाई के लिए। अच्छा आपने मेरी तारीफ करने के लिए वीडियो में आया। क्या अपना नाम बताओ आप। मेरा नाम रोहित है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। वाह पुनीत चंडीगढ़ से। परवेश कुंडू साहब चंडीगढ़ से। हम लोग शुभम कन्वर चंडीगढ़ से। रिक्षत चंडीगढ़ से। वाह बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपसे भी भाई। काफी कम लोग यहाँ पे आए। जय भोले। तो बर्फ का तूफान चल रहा है। जय भोले जय भोले। यस बोल शंकर भगवान की जय। ओके भाई थैंक यू सो मच। रास्ते में मिलते आगे ना। ओके सेम यार सेम। नाइस टू मीट यू। लिमिटलेस रोवर। हाँ जी। और यहाँ पर पुजारी जी भी अंदर बैठे हैं यहाँ पे इस जगह पे। आप देखते हैं जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ। जय श्री महादेव। हाँ होली भी है। आपको यहाँ की स्टोरी थोड़ी बहुत बता सकते हैं क्या? हाँ बता देंगे। ठीक है मैं आपको कैमरा में लेता हूँ। ये लो। हाँ जी तो आप बताओ यहाँ की। यहाँ सब बोलते हैं भाई द्वापर में जब युद्ध हुआ था। हाँ जी किस साइड में? आगे की साइड में। अच्छा ये वाली साइड कुरुक्षेत्र की दिशा है जहाँ से रास्ता आता है। रास्ते से आया ना जिससे हम। हुआ क्या कि जो बर्बरिक था। हाँ जी। वो था पांडव। अच्छा। वो था भीम का पोता घटोत्कच का लड़का। अच्छा। हाँ जी। उसके पास तीन बाण से देवी के दिए हुए थे। हाँ जी। कि हारती की तरफ खेलता था, उसको भी हारता नहीं था। अच्छा कौन से देवी ने उनको दिए थे? वो काली दुर्गा वही। अच्छा ओके ओके। अच्छा तो फिर जाएंगे जब उसने युद्ध सुना युद्ध के लिए चल पड़ा वो। हाँ जी। कृष्ण भगवान को कहीं बीच में मिल गया। हाँ जी। अच्छा तो बीच में मिला तो कृष्ण भगवान बोलता कौन है कहाँ जा रहा है। हाँ जी। अच्छा बोलो मैं युद्ध करने जा रहा हूँ पर खेलता हूँ मैं हारती की तरफ, मैं हारता ही नहीं हूँ। अच्छा मेरे पास ऐसे बाण है। हाँ हाँ। पीपल का पेड़ था। हाँ जी। एक पता रखा कृष्ण भगवान ने अपने पैर के नीचे। अच्छा बोलो इसमें मार दे बाण। हाँ जी। मार दिया बाण। पंडित बन के थे उस टाइम कृष्ण भगवान। अच्छा सारे पत्ते छेद हो गए। हाँ हाँ। कृष्ण भगवान ने जमाली बात की ये पांडव को मार सकता, जैसे करो मार देंगे। हाँ जी। तो पांडव को मार देगा ये। हाँ हाँ। अब क्या करूं तो विराट रूप दिखाया उसको। हाँ जी। तो अच्छा। उसने पहचान लिया भगवान बोलो बोलो जो आप बोलते हैं आपके दर्शन हो गए। हाँ जी। बोलो ऐसा कर ले तू वचन दे दे। बोलो ले वचन रहा जो आप बोलेंगे। अच्छा तो सिर दे दे तू अपना। अच्छा कृष्ण भगवान ने उसका सिर ही मांग लिया। तो सिर तो ले जाओ पर महाभारत देखना। ये इसका कौरवों का पोता था ये। हाँ हाँ ये था कौरव का था। ये था भीम का पोता। अच्छा भीम का पोता था। हाँ था पांडव। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो फिर क्या हुआ उसका सिर क्यों मांगा था? भाई ताकि कैसे करेगा युद्ध फिर। अच्छा अच्छा। युद्ध कैसे करेगा ये? अच्छा सिर ही मांग लिया। ओके विराट रूप दिखा के तो। हाँ जी। उसने बोला महाभारत देखना वो करता हुआ सिर यहाँ रखा था। अच्छा यहाँ रखा था इस जगह पे ये जो जगह दिख रही है। Okay. कुरुक्षेत्र का युद्ध दिखाया। हाँ जी। युद्ध खत्म हुआ। हाँ जी। पांडव की तरह लाया। हाँ जी। पांडव को बोला भाई
शिव को पूछा क्या देखा कहते हैं, हाँ जी। बोलो ऐसा है कि मैं जो पांडव है तो मेरे को दिखाई नहीं दिए। अच्छा, इसमें तो आप महाराज शेर बोला था, कृष्ण भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तेरा नाम शेरगुल होगा, शिव जी का भक्त है शेरगुल। अच्छा, सबसे बड़ा। अच्छा, शेरगुल जो देवता था ना, हाँ ये, हाँ जी, ये भी आदमी था। अच्छा, परवृक्का बना। अच्छा, परवृक्का ये अवतार है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर रखा था ये सामने वाली जगह रखा था। हाँ ठीक है, ये जो है यहाँ जी दिशा में। अच्छा, शिव की तरफ। ओके, जय भोलेनाथ। और यहाँ पर मौसम बहुत ही खूबसूरत हो चुका था और मैं यहाँ पर भगवान शिव की तांडव भरी लीला के दर्शन कर पा रहा था, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा आनंद दे रही थी। यहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति इस जगह को एक स्वर्गीय खूबसूरती दे रही थी और मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ महसूस कर पा रहा था कि मैं इस जगह के दर्शन इस तरह के मौसम में कर पाया। भोलेनाथ की कृपा से इस यात्रा में मुझे किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल महसूस नहीं हुई। मैं इस यात्रा को बहुत ही आसानी से कर पाया। मैं इस बात के लिए भगवान शिव का, महादेव का पूरे दिल से धन्यवादी हूँ और कृतज्ञ महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। अब मैंने यहाँ पर कुछ देरी समय बिताने के बाद में अपनी वापस की यात्रा शुरू कर दी और अब इसके बाद में मुझे वापस आते हुए भी और भी ज़्यादा तेज होते हुए बर्फीले तूफान का सामना करना था। अब मैं इस बर्फीले तूफान को चीरते हुए वापस की ओर चलने लगा और मैंने ये यात्रा पूरी कर ली। अब आगे आप इस बर्फीले तूफान की एक छोटी सी झलक देख सकते हैं। आप सभी का अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे मिलते हैं किसी और ही इस तरह की यात्रा पर। धन्यवाद। जय भोलेनाथ। जय शंकर महादेव।